हिंदी आशुलिपि के इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं चरणजीत वर्मा यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड कर रहा हूं। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रे यस, माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक के संबंध में सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसके अनुबंधों का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट कर ली गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। प्रवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं जो कि बहुत अधिक आवश्यक मालूम पड़ती हैं। इसलिए उन सभी बातों पर इस सदन में विचार किया जाएगा। जहां तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहां लोकतांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है और जबकि मुल्क में गरीबी है और उसका गलत फायदा भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहां तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों के विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं थोड़े में खास खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहां जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहां आर्थिक विषमता चली आती है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत फायदा उठाया जाता है। मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, हालांकि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि सन 1912 में यह विधेयक बना था, उस वक्त से लेकर आज तक उसमें कोई नई प्रगति नहीं की गई है, बल्कि जैसा तब था उसी विधेयक को आगे पीछे करके उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके उन्हीं बातों को अपनाया गया है। मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। अगर हम विधेयक के तमाम अनुबंधों को देखें और जो अध्याय हैं उनको देखें और उनको पढ़ने की कोशिश करें तो हम इस
नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसमें बहुत सी बातें नहीं है। इसके अलावा सरकार जो सहायता दे सकेगी देगी। इस तरह से सहकारी समितियों को जिनके पास धन की कमी है उनको संपन्न बना सकेंगे। जब समितियां गड़बड़ करेंगी उन पर मुकदमा चल सकेगा और जुर्माना भी हो सकेगा। अध्यक्ष जी, सरकार ने यह बताया कि सरकार द्वारा दो फैक्ट्रियां चलाई गई हैं और उनके लिए भी कच्चा माल अमृतसर से मंगवाया जाता है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जंगल विभाग में जो कर्मचारी हैं और जो जड़ी बूटियों के बारे में सब कुछ जानते हैं वे जितना भी यह कच्चा माल है अपने यहाँ से ही सारा एकत्रित करें। हम इतना रुपया बाहर खर्च करते हैं और उससे हमें नाकाम औषधियां मिलती हैं जिनमें कोई प्रभाव नहीं होता। आप मुझे क्षमा करेंगे कि हम पुरानी लकीर पर ही चले जा रहे हैं और इस दिशा में कोई कोशिश नहीं करते। अगर कोशिश करें तो हमारे पैसे बचेंगे और हमें प्रभावशाली औषधियां मिलेंगी। आयुर्वेद को जानने वाले इस बात को जानते हैं कि उन दवाइयों का बहुत सारा असर जाया हो जाता है अगर हम उन्हें बाजार से खरीदें, क्योंकि वह माल 5-5 सालों का पड़ा हुआ होता है। परिणाम स्वरूप यह जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है वह ज्यादा हमारे स्टाफ पर ही व्यय हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां विभिन्न योजनाओं के लिए कार्यकर्ता तो रख लिए गए हैं लेकिन काम चला नहीं है। सालों से स्टाफ बैठा तनख्वाह ले रहा है। इस प्रकार के काम से तो लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। इसी तरह से बहुत सी मशीनरी ऐसी ले ली गई है जिसकी वहां आवश्यकता ही नहीं है। वह मशीनरी आ गई है और बेकार पड़ी है, बरसात में पड़ी रहती है और उसका कोई वारिस नहीं है। जब किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उसे क्यों मंगवा लिया गया। यह तो प्रदेश की जनता के साथ सरासर धोखा है और उनके साथ अन्याय है। अतः मेरी बार बार यह प्रार्थना है कि इस बार तो सरकार का यह प्रयत्न होना चाहिए कि यह पैसा ऐसे काम पर ही व्यय हो जिससे लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें। जनता तभी सरकार का धन्यवाद करेगी। जब से हिमाचल बना है उसके कितने ही उच्चाधिकारी बदले गए और कभी भी एक व्यक्ति को काम करने का मौका नहीं दिया गया। जो योजना उनके दिमाग में है वह कैसे पूरी होगी। हर आदमी अपने ढंग से कार्य करता है और जब साल या कुछ महीनों में ही उसे बदल दिया जाता है तो उसका काम प्रयोग में ही रह जाता है। यही कारण है कि उद्योग विभाग में कोई उन्नति नहीं हुई। जब यह सारा मंत्री परिषद बना तो उससे कुछ उम्मीद हुई कि अब कुछ प्रयत्न किया जाएगा। अभी तक वास्तव में प्रगति का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया।
अतः मेरा मंत्रियों से निवेदन है कि वे अपने अपने विभागों में सदस्यों द्वारा दिए गए सुंदर सुझावों को प्रयोग में लाएं और प्रदेश की उन्नति के कार्यों में स्वयं पथ प्रदर्शक बने। सड़कें बनाने के संबंध में विशेष रूप से मेरा आग्रह है। अंत में मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे अभी कुछ और भी कहना है। स्टॉप। सभी प्रशिक्षार्थियों को एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो ये आपने डिक्टेशन लिखी है, इसको ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर इसमें कोई कठिन शब्द आते हैं या ऐसे शब्द आते हैं जो आपके पहले प्रयोग में नहीं आए हैं, तो उनकी आउटलाइन बनाएं, उनके वाक्यांश बनाएं और फिर उनका अभ्यास करें। क्योंकि अगर आपके पास ऐसे वाक्यांश बनाते हैं या ऐसे शब्द चिन्ह बनाते हैं जो आप स्वयं नियमानुसार तैयार करते हैं, तो वो आपको हमेशा याद रहेंगे। और डिक्टेशन पढ़ने के बाद फिर इसका लिप्यंतरण भी करें और ध्यान रहे कि निर्धारित समय में आप इसको टाइप कर पा रहे हैं या नहीं। अगर सही ढंग से अगर आप उसको टाइप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका अभ्यास सही गति में चल रहा है। अंत में सभी प्रशिक्षार्थियों को नमस्ते। जय हिंद। जय हिंदी।